उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। कलयुगी बेटा निकला बाप का हत्यारा, पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें, यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस ने दो दिन पूर्व हुए नमक व्यापारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे व सुपाड़ी किलर दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बेटा मालिक बनने की चाह में अपने बाप को ही उतार दिया मौत के घाट। आइए डालते रिजवानुद्दीन की इस अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर, फतेहपुर जिले की रिपोर्ट पर। 12 तारीख की शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि भिंदकी कस्बे में नमक के व्यापारी संतलाल और उनके लड़के शैलेंद्र सैलू को बदमाशों ने मारपीट करके घायल कर दिया है और लूटपाट कर ली है, जिसमें संतलाल संत कुमार अग्रवाल की डेथ हो गई है। ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था हमारे लिए और इसमें लग करके हम लोगों ने काम किया। हमारी पिंकी की टीम, एसओजी की टीम, ये सब लग करके काम की और इसमें सफलता हासिल हुआ। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान ही यह ज्ञात हो गया था कि ये लूट का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। मर्डर क्यों हुआ है, कौन किया है, इसके भी सबूत हम लोग को हॉस्पिटल में मिल गया। जब इनका लड़का घायल अवस्था में, जिसको बताया गया था बहुत घायल है, उसे कोई चोट नहीं थी और जो शर्ट पहना हुआ था इनका लड़का, उसको बेड के नीचे रख लिया, फिर उसको हम लोगों ने लिया तो उसके ब्लड के काफ़ी धब्बे थे, उसे धोने की कोशिश भी की गई। प्रथम दृष्टया हम लोगों को शक वहाँ पर शुरू हो गया। इसके बाद घटनास्थल पर सारा पैसा, बैग में पैसा था, इनके गुल्लक में पैसा था, सारा पैसा इनके परिजनों को दिया गया। जिस तरह से घटना लड़के ने बताया था, उस स्तर से जब हम लोगों ने जांच शुरू की तो उसकी सारी बातें झूठी निकली और अंत में ये निकला कि परिवार में ये अपने पिताजी से बहुत क्षुब्ध था, इसको पैसे नहीं मिलते थे, 300-400 रुपया रोज़ मजदूरी की तरह से इसको प्राप्त होता था, जिससे ये क्षुब्ध था। खाना भी इसका लड़के का अलग बनता था और पिताजी को अगर हम रास्ते से हटा देंगे तो हम मालिक बन जाएंगे और हमारे पास सारा कमाई का पैसा आएगा। इसने एक अपने कबाड़ बिनने वाले साथी, जो कि शराबी है बिल्कुल, उससे 16,000 रुपये में तय किया कि आ करके और आओ और हम लोग अपने इनके अपने पिताजी की हम लोग मदद करेंगे। उसको बुला करके रस्सी से गला खींच कर सीने पर चढ़ करके इन्होंने काफ़ी दबाया, रस्सी से गला खींचा, रिब भी टूट गई है, में दिल घुस गई है, जिससे मुँह से काफ़ी ब्लीडिंग भी हो गई, जो बाल निशान है कि बहुत निशान आ गया था। ये सारे सबूत हम लोगों को मिल गए थे, तुरंत से टीम हमारी पहुंच गई थी, नाखूनों में दोनों के ब्लड मिला, उसका पर हम लोग मिलान कराएंगे, मिलान हुआ भी है, मानव रक्त है। तो इस तरह से इस घटना का अनावरण हुआ है, दोनों अपराधी गिरफ्तार किए गए, उनको आज जेल भेजा गया है। घटनास्थल से संबंधित रस्सी भी बरामद कर ली गई है। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इस पुलिस टीम को इस घटना को अनावरण करने के लिए मैं 20,000 रुपये का इनाम देता हूँ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।